हेलो गाइस, वेलकम टू एस्पायरेंट हब। लेट्स स्टार्ट द ईस्ट वे टू लर्न। आज हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि रिलेटेड है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि कब और कैसे कंप्यूटर ईजाद किया गया और कैसे उसमें टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन की गई जहाँ उसमें डिफ्रेंशिएट किया गया। तो डिस्प्ले पे आपको एक कंप्यूटर दिख रहा होगा, ये था फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका नाम था एबकस। तो आप जहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे कैसे आज का मॉडर्न कंप्यूटर इससे अलग दिखता है। तो यही डिफरेंस हम पूरी वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा कि कैसे कौन सा कंप्यूटर बनाया गया, कब किस कंट्री ने या किस साइंटिस्ट ने उसको बनाया और किस समय बनाया उसको। कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा कैसे उस कंप्यूटर में नई नई टेक्नोलॉजी ईजाद की गई जहाँ उसकी खूबी क्या थी और एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे उसको यूज़ किया जाता था। फर्स्ट कंप्यूटर था एबकस, इसको बनाया चाइना ने 16th सेंचुरी में और ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस था। इसको यूज़ किया जाता था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर रूट्स के लिए। नेक्स्ट था नेपियर बोन्स, तो ये था जे बनाया जॉन नेपियर ने 16th-17th सेंचुरी में और इसमें 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते थे जो यूज़ किए जाते थे मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसमें एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी जिसको हम कहते थे रैपडोलोजिया। नेक्स्ट है पास्कलिन, पास्कलिन को किसने बनाया, ब्लेज पास्कल साइंटिस्ट ने। तो इसको बनाया गया 1642 में, ये फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन थी जिसमें हम एडिशन कर सकते थे और सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, कितने नंबर्स की, दो नंबर्स की, क्योंकि इससे जो पहले कंप्यूटर थे उसमें सिर्फ हम एक ही नंबर की कर सकते थे लेकिन इस कंप्यूटर में हम दो नंबर्स की सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते थे। नेक्स्ट है कार्ड ऑफ होल्स फॉर वीविंग पैटर्न, तो इसको बनाया जोसेफ जैकर ने 1801 में, ये फर्स्ट मैकेनिकल लूम था, लूम को हम टूल भी कहते थे। तो इसमें पंच कार्ड यूज किए जाते थे सिक्वेंस ऑपरेशन के लिए। तो सिक्वेंस ऑपरेशन कहाँ यूज करते हैं, जब भी हम किसी वीविंग मटेरियल जैसे चादर को बुनना या किसी स्वेटर को बुनना तो वहाँ पे एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन यूज़ किया जाता है। तो जो कार्ड ऑफ होल्स फॉर वीविंग पैटर्न कंप्यूटर बनाया गया था वो स्पेशल टेक्सटाइल के लिए बनाया गया था। आपके जो मटेरियल आते हैं क्लॉथ के, तो वो सारे इसी कंप्यूटर के इसी कंप्यूटर ने उसको जल्दी से बुनना शुरू कर दिया था। मीन्स कि यही कंप्यूटर स्पेशल यूज़ किया गया वीविंग पैटर्न के लिए। नेक्स्ट कंप्यूटर है एनालिटिकल इंजन, तो इसको बनाया चार्ल्स बैबेज ने जिनको फादर ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो इसको बनाया गया 1834 से लेकर 1871 तक। ये फर्स्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर था, इसको यूज़ किया गया अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट है टैबलेटिंग मशीन, तो इसको हॉर्मन होल्डर्स ने बनाया 1880 में। इसमें यूज़ किए जाते थे पंच कार्ड्स विद राउंड होल्स, तो इसमें राउंड होल्स थे उसमें पंच कार्ड लगाए जाते थे। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन थी जिसको यूज़ किया गया सेंसेस काउंट करने के लिए 1890 में। नेक्स्ट है मार्क वन, इसको हॉवर्ड एके ने बनाया 1944 में। तो इसमें इंटरलॉकिंग पैनल्स थे स्मॉल ग्लास काउंटर स्विचेस और कंट्रोल सर्किट्स के लिए। ये फर्स्ट कंप्यूटर था जिसको वर्ल्ड वार सेकेंड में यूज़ किया गया। नेक्स्ट है एनियक, एनियक की फुल फॉर्म होती है वो नेक्स्ट लाइन में आपको आपको बताऊँगा। इसको बनाया जे पी एकर्ड और जे डब्ल्यू मोस्टले ने 1950 में और ये इसमें कम्बिनेशन होता था 20 एकोमुलेटर्स का। तो एक नई टेक्नोलॉजी थी, तो इसको यूज़ किया गया एज अ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में। नेक्स्ट है एडसैक, इसको जॉन वॉन न्यूमन ने बनाया 1946 से लेकर 1952 तक। इट वाज फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें सबसे पहला कंप्यूटर जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी का ऑप्शन था। तो ये पहला कंप्यूटर भी था जिसको मशीन पर रन किया गया। नेक्स्ट है यूनिवैक, इसको एकर्ड और जे डब्ल्यू मोस्टले ने बनाया 1950 में। तो ये पहला कंप्यूटर था जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट और आउटपुट थे, मीन्स कि आप आउटपुट और इनपुट बहुत सारे डिवाइस के ऑप्शन आ जाते थे इस कंप्यूटर में। तो इसको स्पेशल यूज किया जाता था मेनीटेब एज अ इनपुट और आउटपुट डिवाइस में। IBM 650, तो IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इस ये एक ग्रुप ऑफ पीपल ने बनाया और उस कंपनी का नाम था IBM। इसको 1954 में बनाया गया और इसमें बड़े सारे ऑप्शन मिलते थे इनपुट और आउटपुट के, जो यूनिट्स को कन्वर्ट करते थे अल्फाबेट में और स्पेशल कैरेक्टर को 2-digit डेसिमल कोड में यूज़ करते थे। और इसको यूज़ किया गया पेरोल प्रोसेसिंग में, ऑयली फाइनल डिजाइन में और मार्केट रिसर्च एनालिसिस में। नेक्स्ट है आपका टर्म्स रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवोल्यूशन, तो इसमें बताया गया किस किस ने क्या क्या किया। तो
जो आपका स्ट्रक्चर है ना, आज का जो आज की टेक्चर हम देखते हैं कंप्यूटर का ऐसे और स्क्योर शेप में या रेक्टेंगल शेप में, तो वो किसने बनाया? जॉन वॉन न्यूमन ने बनाया इन 1948 में। मैंने आपको पिछली स्लाइड में कहा था कि एडवेक और एडसेनिया की एक फुल फॉर्म होती है, वो एडवेक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, और एनिया की होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटरग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो यही थी आज की वीडियो रिलेटेड टू हिस्ट्री रिलेटेड टू कंप्यूटर एवोल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें एस्पायरेंट हब।